हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव और आप पहुंच चुके हैं अपने फेवरेट चैनल बिट्स फॉर बायोलॉजी पे। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन। इसका मैं क्विक रिवीजन सीरीज करा चुका हूं और मैंने आपसे बात की थी कि इसका मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये जो नोट्स है पूरा एक एनसीईआरटी के सीक्वेंस में पूरा का पूरा नोट्स इसमें अरेंज है। सारे आप बॉक्स में नोट्स देख सकते हैं, पहले नोट्स को देखें और मुश्किल से 3 से 4 मिनट का ये वीडियो होता है और लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर कभी भी आपको इवोल्यूशन या चैप्टर पढ़ना है तो आराम से उस पीडीएफ को देखकर या नोट्स भी बनाना है, चाहे आप बोर्ड के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी प्री मेडिकल एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये जरूरी है और ये बेस्ट नोट्स है, आपका टाइम बचेगा ज्यादा से ज्यादा। सबसे पहले देखिए इवोल्यूशन को समझाया गया है, ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ नेक्स्ट टॉपिक वो है, इसके बाद जो ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड जो थ्योरीज हैं उसके बारे में दे रखा है, जैसे स्पॉन्टेनियस जनरेशन, बायोजेनेसिस, कॉस्मिक थ्योरी या स्पेशल क्रिएशन, केमिकल इवोल्यूशन। इसके बाद यूरे मिलर के एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं। इसके बाद एविडेंसेस हैं इवोल्यूशन के लिए, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, इसके बाद एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है और इसके बाद मॉलिक्यूलर एविडेंस है। इसके बाद एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में बताया गया है, बायोजियोग्राफिकल एविडेंस के बारे में, फिर लास्ट में बायोकेमिकल एविडेंस से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। इसके बाद जो भी नेचुरल सिलेक्शन के लिए एविडेंसेस हैं उसको भी बताया गया है, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म जो इंग्लैंड में हुआ था आपको मैंने बता भी रखा है क्विक रिविजन सीरीज में। आप क्विक रिविजन चाहते हैं अगर वीडियो के थ्रू तो आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, वहां पर दे रखा है। एनसीईआरटी के सारे 38 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की जो थ्योरीज हैं उसके बारे में बताया गया है, लैमार्किज्म के बारे में, इसके बाद डार्विनिज्म के बारे में है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो काफी फेमस है, इसके बाद इवोल्यूशन के कुछ मैकेनिज्म दे रखे हैं, हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे कौन से फैक्टर होते हैं जो हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करने का काम करते हैं नेचुरल सिलेक्शन में, जैसे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन पूछा गया है इसमें क्वेश्चन, डायरेक्शनल सिलेक्शन, डिसरप्टिव सिलेक्शन, तो ग्राफ याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक ब्रीफ अकाउंट है इवोल्यूशन का जिसमें बताया गया है प्रोटोजोइक एरा, पैलोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा, पूरा का पूरा जो एरा है उसको एक सिंपल सा चार्ट में बताया गया है। इसके बाद ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन सबसे लास्ट टॉपिक है जिसमें ड्राइपथिकस से लेकर होमो सैपियंस तक का जिक्र है, तो इसका आपको पूरा का पूरा चैप्टर आपको यूं ही मिलेगा और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आप नीचे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे इसे शेयर करें, फेसबुक ग्रुप पे शेयर करें और अगर कुछ भी फायदा लग रहा है मेरे वीडियो से तो कंट्रीब्यूट कर, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल दे रखा है, आप वहां से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे बार बार आने के लिए, हमारे वीडियोज को लाइक करने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।